साउथ अफ्रीका के बाद देश में पहली बार राजस्थान के रणकपुर में दुर्लभ पिंक पैंथर देखा गया है। अब से पहले ऐसा पैंथर वर्ष 2012 में साउथ अफ्रीका में देखा गया था, जिसे मेडिक्वेक एम रिजर्व नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने पहली बार अपने कैमरे में कैद किया था और उसे स्ट्रॉबेरी लेपर्ड का नाम भी दिया था। इसके बाद अरावली की पर्वतमालाओं में इसे देखा गया है, जिसे रणकपुर में जंगल सफारी का व्यवसाय करने वाले वीरम देव सिंह सोनीगरा ने सबसे पहले देखा और इसकी सूचना उदयपुर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हितेश मोटवानी को दी। उसके बाद मोटवानी ने इसे ढूंढने के लिए एक टीम बनाई और निकल पड़े स्ट्रॉबेरी लेपर्ड की तलाश में। वन्य जीवों के दुर्लभ प्रजातियों में से एक है यह पिंक पैंथर और देश में पहली बार राजस्थान के उदयपुर के समीप अरावली की पर्वतमालाओं में देखा गया है। उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर रणकपुर की पहाड़ियों में एक सफेद पैंथर होने की सूचना जैसे ही लेक सिटी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हितेश मोटवानी को लगी तो उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसमें इसको पहली बार देखने वाले वीरम सिंह सोनीगरा और हितेश मोटवानी के साथ डॉक्टर राम मेघवाल और कोटा के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मनीष आदि को जोड़ा गया। एरिया काफी लंबा होने की वजह से हितेश की टीम को 4 दिन की 8 सफारी और रोजाना 8 घंटे की तलाश के बाद सफलता हाथ लगी, जिसमें ये मादा स्ट्रॉबेरी पैंथर को कैमरे में कैद करने में सफल भी हुए। आमतौर पर पैंथर के शरीर पर गहरे रंग के पैचेस होते हैं और शरीर का कलर टोन भी अलग होता है, लेकिन इस दुर्लभ मादा पैंथर का रंग गुलाबी होने के साथ ही शरीर पर स्ट्रॉबेरी रंग के पैचेस हैं, इसलिए इसे पिंक पैंथर या स्ट्रॉबेरी पैंथर कहा जाता है। मेरे एक मित्र हैं जिनका रणकपुर मंदिर के बाहर जिप्सी सफारी का काम है, जो जंगल में सफारी वगैरह कराते हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हितेश जी, मैंने एक सफ़ेद कलर का पैंथर देखा है। तो मैंने कहा यार फ़ोटो भेजो, तो उन्होंने फ़ोटो भेजा और मैंने फ़ोटो देख के उनको बोला कि यार ये तो किसी माइंस में रहता हुआ लगता है मुझे, या किसी माइंस में घूम के आया होगा, तो थोड़ा सा चूना वूना लग गया है इसके ऊपर पत्थर का। पर डीपली रिसर्च करने पर हमें पता पड़ा कि वो एक स्ट्रॉबेरी कैटेगरी का अल्ट्रा रेयर लेपर्ड है, रेयर नहीं अल्ट्रा रेयर लेपर्ड। तो हमने गूगल पे जब उसको सर्च किया तो सन 2012 में साउथ अफ्रीका के मेडिक्वे गेम रिजर्व में, जहाँ पे टूर ऑपरेटर, टूर गाइड और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डियोन डे विलर्स ने इसका पहला फ़ोटो खींचा था और उन्होंने ही इसके पैचेस के आधार पे इसका नाम स्ट्रॉबेरी लेपर्ड रखा। गूगल पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, पर दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि 7 लेपर्ड अभी तक दिख चुके हैं, पर एविडेंशियल कुछ भी नहीं है। सिर्फ एविडेंस एक ही लेपर्ड का है जो 2012 में मेडिक्वे गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका का है। सेकंड डॉक्यूमेंट ये हमारा है, हमें इसके कुछ एविडेंस चाहिए थे तो हमने एक टीम बनाई। अब उस टीम में मुझे कुछ परफेक्ट लोगों की ज़रूरत थी, तो मेरे मित्र वीरम देव सिंह सोनीगरा और मैं, अभी तक हम 2 कड़ियाँ थे इसमें, तो हमने तीसरी कड़ी के रूप में डॉक्टर राम मेघवाल को इसमें जोड़ा। चौथी कड़ी मेरे एक मित्र थे, कोटा के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं मनीष आर्य, मन आर्य के नाम से फेमस हैं, उनको बुलाया और हम लोगों ने 4-5 जनों की, एक और हमारे एक मित्र हैं उनका नाम हम किसी कारणवश नहीं बता पाएंगे, तो हमने 5-6 लोगों की एक टीम बनाई और हमने उसका सर्च ऑपरेशन चालू किया। एरिया बहुत बड़ा था। लगातार 4 दिन की 8 सफारी के बाद, जो सुबह भी 4-5 घंटे चलती थी और शाम को भी 4-5 घंटे, मतलब दिन की 10 घंटे की तलाश और 4 दिन तक इसको लगातार ढूंढने के बाद ये एक साइड हमें इसकी मिली और उसमें इसने हमें अच्छे फोटो और अच्छे वीडियो दिए। अरावली की श्रृंखलाओं में मिली यह मादा दुर्लभ पैंथर शावक के साथ विचरण कर रही है। वन्य जीव एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के पैंथर पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद राजस्थान में इसे पहली बार देखा गया है। स्क्रीन पर दिखाई देते इन दृश्यों में स्ट्रॉबेरी मादा पैंथर को बार बार एक पक्षी परेशान कर रहा है, जिसे शिकारा कहा जाता है, और वन्य जीवों की इस दुनिया में दोनों ही अपने अपने अंदाज में मस्त हैं। लेक सिटी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हितेश मोटवानी ने बताया कि इनकी टीम इसे कभी एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, लेकिन टीम के एक सदस्य ने विश्वासघात करते हुए इसे सार्वजनिक किया है। मोटवानी ने बताया कि अखबार में पिंक पैंथर का फोटो देखने के बाद या खबर प्रसारित होने के बाद कई लोग इसकी तलाश में जुट सकते हैं, इसलिए हितेश ने अपील भी की है कि मादा पैंथर है
और अगर ये सुरक्षित रही तो अरावली की पर्वतमालाओं में इस प्रजाति को बढ़ने में समय नहीं लगेगा। इसके हैबिटेट को मैं एग्जैक्टली एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, पर रणकपुर से लेकर छोड़ा काणा दूधा विलेज भी हो सकता है, देसूरी चारभुजा तक भी हो सकता है, और रणकपुर से जवाई भी हो सकता है, जवाई के आसपास का क्षेत्र भी हो सकता है। तो इसके हैबिटेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करना भी नहीं चाहते उसको। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताने का कारण ये है कि आज के अखबार में आपने जो फ्रंट पेज की न्यूज़ देखी है वो न्यूज़ हम लोग इसको प्रिंट मीडिया में नहीं देना चाहते थे, और हमने हमारे सभी साथियों को मना किया था कि इस न्यूज़ को कोई भी पब्लिश नहीं करेगा, पर हमारे ही किसी साथी की गलती की वजह से, जो कि उदयपुर का नहीं है, ये प्रिंट मीडिया में आज हो चुका है और उसमें हम लोगों का कहीं भी नाम नहीं है। तो इसकी शुरू से लेकर आखिरी कड़ी सारे साइंटिफिक एविडेंस वगैरह सब हमारे पास सुरक्षित हैं, और इसका ये जो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आज आप वीडियो देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट वीडियो है। आज तक जो भी इसके फ़ोटो वगैरह लीक हुए हैं वो सारे फ़ोटोज़ हैं, पर इसका ये जो सोशल वीडियो है ये पहला है। इस तरह का लेपर्ड पहले कभी देखा नहीं गया कहीं राजस्थान में, देश में? सर राजस्थान, हिंदुस्तान तो आप छोड़ें, मतलब पूरे विश्व में नहीं देखा गया है साउथ अफ्रीका के अलावा। सन 2012 में इसका रिकॉर्ड है, उसके अलावा नहीं है। और मैं यही सभी को कहूंगा कि आप लोग अखबार में फ़ोटो देख के इसके पीछे भागना चालू ना करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पब्लिक को ये पता पड़े और ये खतरे में आए, क्योंकि ये एक मादा लेपर्ड है और अभी इसे बहुत सारी वंशवृद्धि करनी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑफर्स थे कि आप काफ़ी सारा पैसा लेके हमें इसकी साइटिंग कराएं, पर आज तक पिछले 2.5 साल में हमने किसी को भी इसकी साइट नहीं कराई है। गलती हमारी है कि हमारी टीम में एक मेंबर ऐसे निकले जिन्होंने इसको प्रिंट मीडिया पे डाल दिया, और हमारी ये मजबूरी है कि अब हमें इस तरह का इंटरव्यू देना पड़ रहा है।